सो व्हाट्स अप गेमर्स, क्या हाल है सब? कैसे हो गाइस? आज की वीडियो में बात करने वाले हम कैसे वो लेक कर सकते हो। बेसिकली ये बग या ग्लिच है, तो आप मतलब कि जैसे मतलब कि इसको ओपन करोगे ना, तो आप घर को मतलब कि दीवार के आर पार ले जाए किसी भी बंदे को इजीली मार सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कि मैं इसको इस बंदे को मैं इजीली यहाँ पर डैमेज दे पा रहा हूँ, और जैसे बंदा इधर आता है तो यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो गाइस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए तो शुरू करते हैं। सो गाइस उस वाले ग्लिच को करने के लिए यहाँ पर आपको किसी भी व्हीकल की नीड होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने डार्सिया यूएस बग की सबसे ट्राई किया है, सिर्फ बाइक को छोड़ के बाइक से होता होगा तो पता नहीं, बट मैंने बाइक से ट्राई नहीं किया है। तो इस टाइप की मतलब कि आपको लिफ्ट के पास आ जाना है। तो यहाँ पर हम जोरदो पुल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बग्गी को इस तरीके से लगा देना है, बग्गी या कोई भी व्हीकल हो तो आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ना है और यहाँ पर इसको ड्राइव पे बटन दबा देना है। बटन दबाने के बाद यहाँ पर आपको बग्गी को किसी भी सेफ लोकेशन पर ले जाना है। तो हम यहाँ पर किसी भी सेफ लोकेशन पर चले जाते हैं जल्दी से। सो गाइस इस टाइप की लिफ्ट आपको टेक सेंटर में भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर स्क्वाड हाउस आते हैं। स्क्वाड हाउस में आने के बाद यहाँ पर हम बग्गी को अंदर साइड लगा देते हैं। सही से लगा देने के बाद में आपको यहाँ पर गेम को रीस्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर गेम को जल्दी से रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो हम वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इंटर डैमेज कर लेना है। इंटर डैमेज करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर हमारा गेम पूरा रिस्टार्ट होके हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बग्गी सिंपली उतर जाना है। उतरने के बाद में यहाँ पर अगर आप नॉर्मली ट्राई करोगे इसको ओपन करके मारने की, तो यहाँ पर इसको ओपन करके आप नहीं मार पाओगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं नहीं मार पा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बोट आता है, तो हम इसको पहले किल कर लेते हैं। तो हम इसको किल करने के बाद फिर बाहर की साइड से भी ट्राई करते हैं एक बार। तो देख सकते हैं यहाँ से बाहर की साइड से भी ट्राई करते हैं तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर गन चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। तो फिर से एक गेम करते हैं तब भी नहीं हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कभी कभी वर्क करता है कभी नहीं करता है। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना तो ही पता चलेगा आपको ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बाहर की साइड देखते हैं तो गाइस यहाँ से हम इजीली देख पा रहे हैं। और यहाँ से अगर आप किसी बंदे को यहाँ से नीचे की साइड देखते हो तो उस बंदे को आप इजीली यहाँ पर देख पाओगे। तो आपको सिंपली आई बटन का यूज़ करना है। तो देख सकते हैं अगर नीचे कोई बंदा टीपी भी ले रहा है तो आप उसको भी देख सकते हो यहाँ से। अगर ऊपर साइड कोई बंदा होता है तो आप उसको भी यहाँ से मतलब कि यहाँ से इसको ओपन करके सिंपली यहाँ से आप उसको फायरिंग देके मार सकते हो। तो यहाँ पर हम फायरिंग करते हैं, देख सकते हैं गोली अंदर तक जा रही है। सो गाइस इस ग्लिच को करने के लिए सबसे बेस्ट गन तो AKM है, और मैंने बाकी गन से भी ट्राई किया है। तो मिनी 14 वगैरह सबसे हो रहा है, बट उससे इतना अच्छे से नहीं हो रहा है सब गनों से। तो यहाँ पर हम विंडो को तोड़ते हैं, तो हम यहाँ से भी इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ। तो यहाँ पर एक गेट होता है तो हम उसको पहले तोड़ लेते हैं। तो इस गेट को हम यहाँ पर थोड़ा सा राइट साइड जाके इजीली तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद में यहाँ पर हम बालकनी में भी जाके ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम बालकनी की साइड इसको ओपन करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी ग्लिच इजीली वर्क कर रहा है। तो गाइस इस ग्लिच को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली मतलब इसको ओपन ऊपर की साइड करना है। तो आप नीचे की साइड इसको ओपन करोगे देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है। आप अगर ऊपर की साइड एम करते हो ना तो यहाँ पर ये ग्लिच वर्क नहीं करेगा। आप जैसे एम को नीचे लेके जाओगे तो ये ग्लिच इजीली वर्क कर रहा है यहाँ पर। अगर नीचे की साइड कोई बंदा होता तो यहाँ पर आप उसको फायरिंग देके इजीली मार सकते हो। अगर कोई बंदा आप पर रश कर रहा होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर एम को नीचे करते हुए यहाँ पर इसको ओपन करके अगर कोई बंदा आता है तो उसको आप मार सकते हो। तो अगर आप इसके ऊपर चढ़ते हो ना तो आप देख सकते हो यहाँ से आप बाहर की साइड भी देख सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हो अगर कोई नीचे बंदा टीपी भी ले रहा होगा आप उसको भी इजीली यहाँ पर देख पाओगे। और अगर कोई बंदा बाहर की साइड से आ रहा होगा तो आपको क्या करना है, गन उठाना है, नीचे की साइड एम करना है, यहाँ पर इजीली उसको फिनिश कर सकते हो। अगर कैसे यहाँ पर वॉल आती है ना तो आप यहाँ पर फायरिंग नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई बंदा अगर सीढ़ियों से आता है तो यहाँ पर आपको सिंपली स्कोप ऑन करना है, और यहाँ पर जैसे बंदा आता है आपको फायरिंग करते हुए उसको इजीली फिनिश कर देना है। तो गाइस यहाँ पर हम आगे की साइड चलते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर अपार्टमेंट्स पे आते हैं। तो यहाँ पर एक सामने की साइड एक बंदा होता है, तो यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक इसको ओपन रखता हूँ ताकि अगर वो बंदा निकलता है तो वो मैं उसको इजीली मार पाऊँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मतलब पूरा विंडो वाला लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा ऐसे मतलब कि आप ऐसे करके मारोगे, कोई बंदा पिक करके मारेगा तो आप उसको इजीली मार सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बंदा पीछे की साइड बग चुका है। उसके बाद हम नीचे की साइड जाते हैं, तो यहाँ पर एक गैस कैन रखा होता है, तो यहाँ पर हम इसको ओपन करके इजीली इसको गैस कैन को फोड़ देते हैं। फोड़ने के बाद यहाँ पर अगर आप अपार्टमेंट पर रश कर रहे होगे ना तो आप यहाँ से इजीली यहाँ पर टीपी भी लेते हुए आप जा सकते हो। अगर कोई बंदा राइट साइड होगा तो आप यहाँ से नीचे से उसको देख सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ से पूरा क्लियर व्यू मिल रहा है। तो अगर लेफ्ट साइड भी होगा तो आप उसको भी यहाँ पर मार पाओगे। तो उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्वाड हाउस पर आता हूँ, तो यहाँ पर एक बंदा मेरे पर रश कर रहा होता है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर वो काफ़ी देर वेट करने के बाद भी बंदा ऊपर साइड आता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बंदे को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, बट बंदा काफ़ी जल्दी ऊपर आता है। तो यहाँ पर गेट पे प्री फायर करते हुए बालकनी में चले जाता हूँ। बालकनी में जाने के बाद यहाँ पर गन को रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ पर बंदे को काफ़ी सारा डैमेज देता हूँ, बट मेरे पे बंदा उतने में रश कर देता है। तो यहाँ पर रश करता है तो यहाँ पर मैं AWM निकाल के मार देता हूँ, क्योंकि मेरी AKM रिलोड पर आ गई थी।
सो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी कमाल की वीडियो रोज रोज लाता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।